नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां पर मेरे बहुत से साथी गलतियां करके आते हैं और आप सभी को इस गलतियों को बचाने के लिए एक आज महत्वपूर्ण पाठ आप सभी के लिए लाया गया है, जिसका नाम है कथन और कारण। जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब इन प्रश्नों पर आप संशय करके और आपसे गलत हो जाता है, इन प्रश्नों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और इन प्रश्नों को आप समझ नहीं पाते हैं और फिर आपसे गलतियां हो जाती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत बेहतर करके हम सभी सीखेंगे, क्योंकि हमारा स्कोर, हम सभी ने एक टारगेट रखा है कि 30 में 30 का टारगेट रखकर चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इसे आपको या मेरा उद्देश्य है कि आपको 30 में 30 जो है नंबर दिलाए जाए बाल मनोविज्ञान में, और ऐसा आया भी है। जितने भी साथी मुझसे जुड़े थे, बहुत सारे बच्चे पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है, 30 में 30 हासिल भी किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं, आप सभी भी हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी साथी पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो हम सभी पहले प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे, इस तरीके के प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे, सारे के सारे प्रश्न कथन और कारण पर होंगे, तो हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, थोड़ा सा आप लोग एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, कथन दिया गया भाई, कब पढ़ाते समय, बहुत अच्छा प्रश्न है, कर पढ़ाते समय आपसे पूछ रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण में दिया गया है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, सही विकल्प को चुनना है। करें ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्याकर्ता एक ही, करें ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, तो पहला प्रश्न देखिएगा, करें पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, और मेरा नहीं आपका भी ये उद्देश्य है, या भी शिक्षक को यह उद्देश्य होना भी चाहिए, जब भी शिक्षक पढ़ाए, जब भी आप देखिए, आप भी आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब शिक्षक बन के आप जाएंगे ना, तो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का जो इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी पाठ सामग्री को कोई भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो पाठ सामग्री है उसको दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए, या कथन पूरी तरीके से सही है। अब कारण भैया कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकता पूरा करने हेतु शिक्षा स्वास्थ्य को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, तो सही बात कर रहा है कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे के इन्वायरमेंट से क्रिएट, जैसे वैसा इन्वायरमेंट ही बना दें कि बच्चा आपकी बातों को सीख जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन जो सही है, कारण भी सही है, और कथन जो कारण है वो कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए जो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए होगा। सभी चैप्टर से चुने गए हैं ये सारे प्रश्न जो कथन कारण वाले हैं, हर प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा आप सभी। प्रश्न संख्या सेकंड में, करा शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण में दिया गया है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए, सही विकल्प चुने। करें ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही, और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करें ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। भैया कथन में जो दिया गया है ना, कथन में दिया गया शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, लचीला पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। या तो अब जा करके यहाँ पर लचीला होता तो बात सही होता, इसका मतलब कथन क्या है, गलत है पूरी तरीके से। कारण दिया गया है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए। भाई जब बच्चों के बीच मतभेद, जब बच्चों के बीच व्यक्ति भिन्नता है तो नजरअंदाज क्यों करेंगे, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के हैं तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करना, उसको समझते हुए बच्चों को हम चीजों को पढ़ाना सिखाना है, पर उन्हें खारिज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कारण भी गलत है और कथन तो गलत तो है, इसलिए दोनों जब गलत हैं तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा या नहीं बनेगा, एकदम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 3 नंबर में, कथन फिर से क्वेश्चन है, ऑप्शन को देख ही रहे हैं, ऑप्शन सेम सम में है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है।
कक्षा में करें, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एकदम सही है, जब बच्चों का मूल्यांकन हम करें, जब भी बच्चों का इवेल्युएशन किया जाए तो हम कई तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों का जब इवेल्युएशन करें भैया ना, तो बहुत कई तरीकों का इस्तेमाल करें। कई तरीकों में जैसे आप लिखित भी कर सकते हैं, आप मौखिक भी कर सकते हैं, कई तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के कॉन्सेप्ट क्या कितना क्लियर है और बच्चा क्या अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, आपको दिखा पा रहा है, समझा पा रहा है, उसकी सारी चीजों को पता चल पाता है। अच्छा, कारण में क्या है? कथन तो सही लग रहा है। कारण दिया गया, एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल की परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। एकदम बात सही है, करा कि जो एक क्लास के बच्चे जो बच्चे हैं सिर्फ हम उनका अगर मूल्यांकन करें तो पेपर पेंसिल के जरिए, मतलब इसका मतलब पेपर पेंसिल के जरिए का मतलब है लिखित परीक्षा के द्वारा सिर्फ हम पूरी तरीके से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसको हम उसके लिए मौखिक मूल्यांकन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसका मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसीलिए जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या ही बनेगा। क्वेश्चन को देखिएगा कैसे कैसे सही हो रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या कर रहा है ए की। तो सही है कि मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, साथ ही साथ सिर्फ हमें बच्चों के केवल पेपर पेंसिल के जरिए मूल्यांकन नहीं करना है, हम कई तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करें। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो है कारण कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, राइट ऑप्शन हमारा ए बनेगा। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या थर्ड में, कथन में दिया गया कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क में दे रहा अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। करा ऑप्शन में दिया ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता ए की। करा ए सही है लेकिन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। कर ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। देखिएगा क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। प्रश्न संख्या फोर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे कह रहा है कि जब अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, करा कि नई सामग्री, जो बच्चे को हम चीजें नई पढ़ा रहे हैं, सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। जो बच्चे का नई सामग्री है उसके पुराने ज्ञान जो आप बच्चे को पहले बताए हैं उसी ज्ञान से हम उसको रिलेट कर देना चाहिए। तो ठीक है, जब भी हम कोई चीज पढ़ाएं, कोई मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे को सिखाएं, करने की कोशिश में लगे रहें, तो हम पुराने जानकारी से नई जानकारी को रिलेट कर दें। तो एकदम बात या कथन तो सही है। करा कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, यही मामला बिगड़ गया। अधिगम एक कैसे होता है? चक्री तरीके से होता है। अधिगम कैसे होता है? चक्री तरीके से होता है, आपको मैंने बताया भी है। इसका मतलब कथन तो सही, तर्क जो है गलत है। तो आपका ए और आर दोनों सही हो नहीं सकते हैं और या तो गलत हो जाएगा या भी गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसमें से ए और आर दोनों गलत तो है नहीं, इसलिए प्रश्न संख्या फोर्थ का सी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या फिफ्थ में, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे क्या करते हैं, देखते हैं। तर्क में दिया गया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, सही विकल्प को चुनना है। करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता ए की। करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। करा ए सही है लेकिन आर गलत है। करा ए और आर दोनों को गलत है। देखिएगा क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। अगर हम प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या फिफ्थ की, तो भैया इसमें से करा ना कथनों को जरा, कथन में क्या करा है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल जो रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं, सही है। बहुत सारा खेल ऐसा है जो टीवी रियलिटी शो पर आधारित होता है, जैसे बच्चे टीवी उबी में देखते हैं, मीडिया का जरिया है बच्चों का समाजीकरण जैसे हो रहा है। अब मीडिया भी बहुत ऐसा है जो बच्चों के समाजीकरण का बहुत महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है, जैसे हम सब यूट्यूब के जरिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करते हैं ना, उस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारा खेल बच्चों का उन रियलिटी टीवी रियलिटी शो पर भी आधारित है जो वह देखते हैं। तो इसका मतलब कथन तो सही है। अब कारण में दिया गया, तर्क में दिया गया है, इन दिनों जो परिवार और साथियों के अलावा मीडिया भी क्या हो रहा है, बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, यह भी सही है। इसलिए तर्क जो है, तर्क कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसका मतलब है राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर भी व्याख्या करता है ए की। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या सिक्स नंबर, कथन में दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क में दिया गया है कि कोई भी एक मूल्यांकन,
कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। करा सक्षम नहीं है, सही विकल्प को चुनना है। कर ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। कर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कर ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 6 में भाई का आप कार्य की इस प्रश्न को देखिएगा। शिक्षकों को बच्चों का आकलन, अगर बच्चों का आकलन असेसमेंट करना है शिक्षक को, तो करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक, विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कथन तो बहुत सही है कि जब भी हम आकलन बच्चों का करें, सिर्फ मौखिक ना करें, सिर्फ मौखिक से साथ साथ लिखित भी करें, तो कई तरीकों का हम इस्तेमाल करना चाहिए जब बच्चों का आकलन किया जाए। तो बात तो सही है, कथन तो सही है। तर्क में दिया गया है, कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं, यह भी सही है भाई। कोई भी ऐसी कोई विशेष तकनीक नहीं बनाई गई है जो बच्चे की पूर्णता जो आकलन कर सके। इसका मतलब है कथन तो सही है, तर्क भी सही है, और तर्क कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, क्योंकि जब कई कोई भी ऐसी तकनीक नहीं जो बच्चे को पूरी तरीके से सही संतुष्ट, मतलब आकलन पूरी तरीके से सही कर दे, तभी तो कह रहा है कि बच्चों को जो जब भी शिक्षक बच्चों को आकलन करे को कई तरीके से आकलन करना चाहिए, इसीलिए तो कह रहा है। तो इसका मतलब है तर्क जो है वह कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, और दोनों को दोनों सही भी है। राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 7 में। करेक्ट कथन में, कथन में क्या अधिगम के लिए, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए, अगर लड़ने के लिए विद्यालय के जो सामाजिकरण अवसरों में भागीदारी जरूरी है, सही बात है। तर्क में दिया, अधिगम ये मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, सही विकल्प को चुनना है। कर ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता एक ही। कर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कर ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 7 की बात किया जाए, तो प्रश्न संख्या 7 में भाई साहब आपसे कह रहा, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बहुत सही है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह कथन तो पूरी तरीके से सही है। तर्क में जो करा कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, यह भी सही है, मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। आप अधिगम को सिर्फ विद्यालय तक लिमिट नहीं रख सकते हैं, अधिगम है पूरी तरह एक सोशल प्रक्रिया, एक सोशल प्रोसेस आप बोल सकते हैं, एक आपका सामाजिक क्रिया है। इसलिए कथन जो सही है, तर्क भी सही है, और तर्क भी तर्क कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 8वां नंबर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न अच्छे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आपके कथन और कार्य वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसके सामने प्रश्न संख्या 8वां है। करा कथन में दिया गया, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उनकी अनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। करा सिर्फ बच्चों का जो लेट से बच्चों का विकास होता है, शारीरिक विकास जो सारे विकास बच्चों का लेट से होता है, उनको उनके लिए सिर्फ करा कि सिर्फ अनुवांशिक बनावट उसका जिम्मेदार होता है। कारण में दिया गया, बच्चों के सारे विकास के लिए वंशागत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। और ऑप्शन में अगर हम चले, करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या आपके सामने जो दिया गया है 8वां, तर्क की बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया होगा, बहुत सारी चीजें बताई हैं, जब ग्रोथ और वृद्धि और विकास में बता रहा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई साहब सिर्फ अनुवांशिकता ही एक रीजन नहीं है जो बच्चों का विकास को विकास या वृद्धि करता है, तो अनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण भी बहुत जरूरी है। जब भी किसी का विकास होगा, किसी भी पक्ष का, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो उसमें वातावरण व उसके साथ साथ वंशानुगत दोनों जो है महत्वपूर्ण अदा करते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कितने कितने परसेंट होंगे, लेकिन हाँ दोनों का रोल होगा, इतना आप जानते हैं। तो आपसे कह रहा है कि जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कथन तो पूरी तरीके से सही है। कथन क्या है? पूरी तरीके से सही है। नहीं, कथन पूरी तरीके से सही नहीं। कैसे? देखिए देखिए क्वेश्चन को करा कि कथन जो है अनुवांशिक, सिर्फ अनुवांशिक बनावट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वातावरण भी क्या होगा, साथ देगा। वातावरण भी क्या देगा? साथ देगा। इसका मतलब भैया आपका अनुवांशिक के साथ साथ वातावरण भी होना चाहिए। थोड़ा से हमारे मुंह से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो वातावरण है, वातावरण के साथ साथ अनुवांशिकता भी, दोनों का रोल होता है। सिर्फ हम अनुवांशिकता को सही नहीं दर्शा सकते, इसका मतलब कथन जो है गलत होगा।
अच्छा कारण में कारक कि बच्चों के सारे विकास के लिए वंशगत कारक ही महत्वपूर्ण उत्तरदायी है, उसके साथ साथ वातावरण भी उसका रोल अदा करता, वातावरण भी उस पर रोल अदा करेगा। इसका मतलब भाई साहब आपका दोनों को दोनों जो है रॉन्ग है, कथन भी गलत है, कारण भी गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या डी। आगे चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या 9 नंबर। कथन में करा कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण में दिया गया समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता ए की, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की, कर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अगर हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं, चलिए कथन पर चर्चा करेंगे हम। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। देखिए हर शिक्षक को बच्चे के सामने समस्या समाधान कर्ता बनाना चाहिए। समस्या समाधान कर्ता का मतलब है बच्चे के सामने समस्या क्रिएट कीजिए, उसके समाधान के लिए बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों को बताइए कि कैसे उस समस्या का समाधान करना है आपको। और जब तक बच्चा समस्या का समाधान नहीं करना सीख जाएगा ना, तब तक वह इस समाज इस जीवन को अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए हम जानते हैं हमारी जो जीवन है, आपका जीवन है, हमारा जीवन है, सबका जीवन है, एक समस्या में उलझा हुआ है, कोई किसी किसी चीज से प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज से, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ाई से हमेशा से प्रॉब्लम है, जो पढ़ने पढ़ाने वाले चीजें हैं उनको अलग चीज से प्रॉब्लम होंगी। तो बहुत सारी चीजें हर जीवन में समस्या सबको घेरा हुआ है, समस्या को घेरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास समस्या नहीं, हर आदमी के पास समस्या है। और उस समस्या का समाधान करता तभी बन पाएगा जब उसके लिए उतना बेहतर तरीके की चीजें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, उस समस्या का निर्वहन करने के लिए उसको बताया जाएगा। तो इसलिए कह रहे कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, एकदम सही है। कारण में कह रहा समस्या समाधान रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चे में क्रिएट करती हैं। और जब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है बच्चे में रचनात्मक सोच, सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं, तभी बच्चा कुछ यूनिक कर पाता है। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन को संतुष्ट भी करा, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है आगे चलेंगेगा प्रश्न संख्या 10 नंबर। कथन में आप सभी के सामने एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विभिन्न स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही। कारण में कहा है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। सही विकल्प को चुनना है, करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता एक ही, करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन को देखिएगा, चलते हम इसके प्रश्न के सॉल्व करने की कोशिश में लगेंगे। कथन में भाई साहब दिया गया एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विभिन्न स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी, एकदम सही है। आपसे मैंने बहुत बार बताया है कि भाई साहब सिर्फ आप पाठ पुस्तक पर निर्भर मत रहिए, आपको अलग अलग तरीके से आपको इन्वेस्टिगेशन एक तरीके की खोजबीन करते रहना चाहिए, एक तरीके से आपको एक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि आपको कुछ नया कर पाएं, हमेशा से कुछ क्रिएटिव कर पाएं। इसलिए क्या करना चाहिए आपको इस तरह का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा कह भी रहा है कि एक अध्यापिका को बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, सिर्फ पाठ पुस्तक पर ना आधारित होकर के उसको खोजबीन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है कथन सही है। कारण का अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं, सही है। जो लर्नर है वह सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से क्या करते हैं अधिगम की संरचना करते हैं। जब अध्यापिका और अध्यापक, अध्यापिका और जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, अध्यापिका और विद्यार्थी दोनों परस्पर, दोनों के बीच अंतःक्रिया होगा, इंटरेक्शन होगा, और जब उनके बीच एक अधिगम की संरचना बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं लर्निंग के लिए। तो इसका मतलब है कारण तो सही है, कथन भी सही है, और कारण जो है वह कथन को संतुष्ट भी करा। कैसे संतुष्ट करा है, करा बच्चे सक्रिय होते हैं और चीजों को करते हैं, तो सक्रिय तभी होंगे, तभी तो खोजबीन कोई कर पाएगा। इसका मतलब कारण और कथन दोनों सही है, कारण कथन को संतुष्ट भी करा, राइट ऑप्शन होगा ए। आगे चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है ए की भी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11 नंबर। शिक्षकों को निर्णय लेने में
शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क में दिया गया अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है, सही विकल्प को चुनना है। करें ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता ए की। करें ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। करें ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो कर शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, एकदम सही है। जब भी कोई शिक्षक कोई निर्णय ले तो विद्यार्थियों को उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, जब बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही चीजें हो रहा है, तो बच्चों को इसमें जुड़ना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको उसके ध्यान में रखते हुए बच्चों को जुड़ा, बच्चे से राय जरूर लेनी चाहिए कि भाई बेटा देखो ऐसी चीजें की जाए तो अच्छा रहेगा क्या, तो बच्चों का राय जरूरी है। और आप कह सकते हैं कि शामिल करना चाहिए तथा कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह कथन पूरी तरीके से सही है। तर्क में दिया गया अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थान किया जा सकता है, कभी भी अधिगम जो है शिक्षक के द्वारा सीधे स्थान की नहीं किया जा सकता है, वह चक्रीय रूप से आगे बढ़ेगा। किसे चक्रीय रूप से आगे बढ़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि शिक्षक आया और एक गिलास पानी में जो है वह जितना भी जानकारी है सब भर दिया और घोल करके पिला दिया, ऐसे नहीं कर सकता कभी, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए जो तर्क है वह तो गलत है। तर्क क्या है, गलत है, कहा सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है, कथन लेकिन सही है। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 12। कथन में दिया गया एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, करा कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, और कार्ड ने कहा कि बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और ग्रहणशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है कि करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। देखिएगा इस प्रश्न को, क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपके सामने दिया गया है 12वां प्रश्न, करा कि एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए भाई, बाल केंद्रित शिक्षा है तो आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं भाई, शिक्षक केंद्रित शिक्षा जब है नहीं तो आपको अपना राय नहीं थोपना है, बच्चों के हिसाब से हमें पढ़ाना है, बच्चे को जितने इंटरेस्ट बच्चे को इंटरेस्ट पैदा कीजिए, जिज्ञासा पैदा कीजिए, बच्चे को उसी के अनुरूप पढ़ाना है आपको, तो अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब है कथन गलत है। कारण दिया गया है बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है, हमेशा से हमने बताया है ज्ञान का सृजन करने में बच्चे सक्षम है, आप पढ़ाइए, तो पहले आप पढ़ाइए, बच्चा ना कर पाए तब देखिए बच्चा कर लेगा, लेकिन आप पढ़ाते ही नहीं है। बच्चा हर बच्चा सोचता है कि हम सीखें, कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो सोचता ना हो कि हम ना सीखे, हर लोग चाहते हैं लेकिन उसको सिखाने वाला होना चाहिए। तो करा सक्षम नहीं है, करा ग्रहणशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं, गलत है एकदम। तो कारण भी गलत है, कथन भी गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ए और आर दोनों गलत हैं, आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन संख्या डी है। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 13 में, कथन में दिया गया बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों को जीवन के मापदंडों को जानते हैं। कारण में दिया गया परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय अभिकारक है, सही विकल्प को चुनना है। कर ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। कर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न को आप तो समझ ही गए होंगे, प्रश्न को मैंने पढ़ ही दिया है, अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। कर बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार, तो सही बात है, बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से व्यवहार करने के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। तो सबसे पहले सही बात है कि हम अपने जीवन में जब भी सबसे पहले सीखा है अपने परिवार से, जो भी जानकारी सीखा सबसे पहले अपने परिवार से सीखा, इसके बाद धीरे धीरे अपने गुरु के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीज़ों से सीखते चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अपने माता पिता, अपने परिवार के जरिए ही मैंने कुछ भी जानकारी प्राप्त किया, तो सबसे पहले हमने परिवार के जरिए ही प्राप्त किया है और इसलिए सभी ऐसा प्राप्त करते हैं जानकारियां। लेकिन इसमें दिया गया है कारण में क्या दिया गया, परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय अभिकारक है, तो कह रहा है सेकेंडरी जो है फैक्टर है, तो आप जानते हैं प्राथमिक कारक बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्राथमिक कारक बोला जाता है, कौन सा, विद्यालय को क्या बोला जाता है, परिवार को क्या बोला जाता है, प्राथमिक, परिवार को प्राथमिक बोला जाता है, इसलिए आपका द्वितीय ना होकर प्राथमिक बनेगा, या कारण जो है गलत है, कथन आपका सही है मेरे भाई। तो आपका जो राइट आंसर मैंने कहा ऑप्शन संख्या ए सही है लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 नंबर,
कथन में दिया गया एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। कारण में दिया गया सीखे गए संपत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थी में ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। सही विकल्प को चुनना है। करे ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। करे ए आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करे ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग ही गया होगा क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। कथन में आपके सामने दिया गया, कथन को हम पढ़ते हैं, एक शिक्षिका को विद्यार्थी को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे को अवसर देंगे, बच्चे को हम देंगे बढ़ावा कि बेटा करो, कर सकती हो, आप में क्षमता है, तो बच्चा अवश्य करेगा। और ऐसा शिक्षक के तौर पर या आप शिक्षिका के तौर पर आपको करना चाहिए। इसका मतलब कथन तो सही है, कारण क्या दिया गया है, सीखे गए संपत्तियों, सीखे गए जो कॉन्सेप्ट है, सीखे गए कॉन्सेप्ट को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का जो गहरा ज्ञान है वह गहरा हो जाता है और दीर्घकालीन हो जाता है। बात तो बहुत सही है कि जब भी हम अपने ज्ञान को, हम संपत्ति को सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट हमारे लिए हमेशा के लिए समझ जाते हैं और हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है, हमेशा के लिए वह ज्ञान एक तरीके से संग्रहित हो जाता है, मेरे पास आ जाता है। इसका मतलब है कारण भी सही है, और कारण जो सही तो है, कारण कथन को सही मतलब संतुष्ट भी कर रहा है। कैसे, जब ज्ञान और गहरा हो जाएगा तभी तो हम अवसर, इसलिए तो अवसर हमें देना चाहिए भाई, कोई चीज गहरा और हम गहरा और अच्छा बेहतर हो सकता है, तभी तो हम चाहते हैं कि किसी को अवसर देना चाहिए। इसका मतलब कारण कथन दोनों सही है, कारण कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 नंबर का, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क में दिया रहा है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। अच्छा, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों जो है सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और करा कि ए और आर दोनों गलत है। इस प्रश्न को देखने के बाद देखिएगा क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। क्यों कम अपेक्षा रखनी चाहिए, करा कि कम अपेक्षा रखनी चाहिए। भाई साहब, अपेक्षा रखनी चाहिए, कम उम्र नहीं रखनी चाहिए। लड़कियां भी कर सकती हैं, मैथ को सॉल्व कर सकती हैं। आपका भ्रम है, आप एक रूढ़िवादी परंपरा की सोच वाले इंसान है, शिक्षक है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। शिक्षकों को गणित में क्या करना चाहिए, गणित में कम अपेक्षा रखनी चाहिए। उस तरीके का गणित सबके लिए, गणित सब सीख सकते हैं, उस तरीके का माहौल जब क्रिएट होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब सीख सकते हैं, इसलिए कम अपेक्षा कभी नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब कथन जो है गलत है। तर्क में क्या दिया गया है, लड़कियों में गणित को सीखने की आनुवांशिक क्षमता नहीं है। भाई साहब, क्या गणित को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से आपको, आपके आनुवांशिकता में मिलता है क्या? क्या जो लड़के हैं उनके लिए कोई इंजेक्शन लगा के भेजा जाता है कि आप भाई गणित का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, आप गणित पढ़ लेंगे अच्छी तरीके? लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं क्योंकि उनको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता उस तरीके का। तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, उस तरीके का माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है, आनुवांशिकता क्षमता नहीं होती। इसका मतलब तर्क जो है गलत है और कथन भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, दोनों के दोनों रॉन्ग है। देखिए, एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है कि आप सभी हिस्ट्री 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर मूल्यांकन अपना कर सकते हैं, क्योंकि हर भी कोई भी किसी भी की चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए, मूल्यांकित करना चाहिए कि हमारा क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के साथ हम सीख रहे हैं वह हमारा, जो हम जिस प्रक्रिया के साथ सीख रहे हैं वह हमारे लिए सही है, सुटेबल है कि नहीं है। या जरूरी है कि आपको हमेशा से अपनी जानकारी को एकत्रित करना चाहिए, मिलाना चाहिए कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह हमारे लिए हमेशा के लिए यूजफुल है कि नहीं है, वह हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, इसलिए आपको टेस्ट देना चाहिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर hd91pro.com से 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं, और आप सभी यहां पर जुड़कर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं hd91 www.hd91pro.com, यहां पर जुड़ सकते हैं, आप सभी टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर बिहार स्टेट के आप स्टूडेंट हैं तो आप सभी जानते हैं ऑनलाइन मोड में इसका पेपर होता है, तो आपको ऑनलाइन तरीके से टेस्ट भी देना चाहिए, जिससे अपने आप को एक निखार का पाए, आपको अपने उस पेपर के लिए आप अपने पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाए, जो भी कमियां हैं उसको आप पढ़ के दूर किया जा सकता है। जब आप मूल्यांकन करते हैं तभी आपको पता चलता है, आप अपने आप को टेस्ट जब देते हैं ना, मूल्यांकित करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि मुझ में क्या कमियां हैं, कहां पर मेरा कमजोरी है, कहां पर मैं अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूं।
तो इसलिए जरूर दें आप लोग, और आपको बेहतर लगे तो जरूर आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपसे बात किया जाए, कथन आपके सामने भैया है। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि कथन में कि एक बच्चे की विकास की प्रगति उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कतर्क में क्या दिया गया है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। कथन में क्या है, सही विकल्प को चुनना है, करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता एक ही, करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, आर व्याख्या करता एक ही नहीं करता एक ही, करा ए और आर दोनों सही है और नहीं भाई ए सही है लेकिन आर गलत है, करा ए और आर दोनों गलत है। इस प्रश्न को देखिएगा, या पढ़ने का बहुत विशेष जरूरी नहीं है, आपको समझ में आ जाए या कॉन्सेप्ट तो अपने आप इसे चूज कर सकते हैं। कथन में भाई साहब दिया गया है कि एक बच्चे के विकास की गति एक या गति या प्रगति बताया जाए, प्रोग्रेस जो बताया जाए, उसी उम्र के बच्चों के विकास की गति से की दर से सटीकता तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। मैंने आपको बताया कभी भी किसी बच्चे का तुलना नहीं हो सकता क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता है, तो सटीकता से मापा नहीं जा सकता क्योंकि कोई बच्चा 9 मंथ में चल सकता है, मतलब 9 मंथ का बच्चा हो तो भी चल सकता है, कोई बच्चा 1 साल से ऊपर का हो तो भी चल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। सटीकता से उसके वातावरण उसके अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उसका माहौल दिया गया है, किस प्रकार का उसका एक तरीके की अनुवांशिकता उस किस प्रकार का वातावरण है उस पर डिपेंड करता है, सटीकता से मापा नहीं जा सकता या तो गलत है। तर्क में दिया विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, तो आप जानते हैं एकदम फर्जी लिखा गया है, एक समान सभी के लिए नहीं होता है, असमान होता है, सभी अपने अपने हिसाब से प्रगति करते हैं, अपने अपने हिसाब से विकास करते हैं सभी बच्चे, तो सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है, सभी सांस्कृतिक प्रवेश में समान नहीं होता है या आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका डी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके साथ सामने 17 में भाई साहब कह रहा कथन आपको पढ़ लेना है, पर बच्चे अपनी संस्कृति से व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, ठीक है। तर्क में दिया समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है, सही विकल्प को चुनना है, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता एक ही, करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है, या तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है ऑप्शन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिएगा कथन में कह रहा है बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, एकदम बात सही है। जो बच्चे हैं ना अपने संस्कृति को किस जरिए सीखते हैं, कई मीडियो के जरिए सीखते हैं बच्चे, कई दोस्तों के साथ सीखते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मीडियो के साथ कई स्रोतों से सीखते हैं, या तो पूरी तरीके से सही है कॉन्सेप्ट, पूरी तरीके से कथन सही है। तर्क में दिया गया समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एकदम ठीक है, समाजीकरण एक प्रोसेस है, साथ ही साथ बहुत से औपचारिक का मतलब औपचारिक को आप रख सकते हैं, जैसे आपका हो गया औपचारिक के जरिए आप इसमें विद्यालय को रख सकते हैं, अनौपचारिक के जरिए आप रख सकते हैं जिसको, और अनौपचारिक के जरिए आप परिवार को रख सकते हैं या आपके पास पड़ोस हो गए, अनौपचारिक के जरिए हो गया, तो आप जानते हैं समाजीकरण कई तरीके से हो सकता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों जरिए से किया जा सकता है, या भी तर्क भी सही है और तर्क जो है कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 के लिए, 18 में कथन को पढ़िएगा, कर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणों को साझा करने के अवसर देना चाहिए। तर्क में दिया गया भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया महत्वहीन होती है, सही विकल्प को चुनना है, करे ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता एक ही, करे ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करे ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। देखिएगा प्रश्न को, कथन में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों की उनकी भ्रांतियां और वैकल्पिक धारणाओं को साझा करने के अवसर देने चाहिए, ठीक है, बच्चे की जो भ्रांतियां हैं वैकल्पिक जो एक तरीके से अवधारणाएं हैं उनको साझा करने के लिए अवसर देने चाहिए, तभी जब आप बच्चे भ्रांतियां अपनी कमियों को बताएंगे तभी तो आप दूर कर पाएंगे, जब बच्चे अपनी कमियां नहीं बता पाएंगे तो आप कैसे दूर कर सकते हैं उनकी कमियों को, तो जरूर अवसर दें बच्चे को, पूछ कहें कि बेटा जो आपको समझ नहीं आता आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, जो भी कमियां होंगी आपको, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इसका मतलब कथन तो भाई साहब पूरी तरीके से सही है, तर्क में क्या दिया भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं, आधारहीन नहीं होती, आधारहीन नहीं होती, यह चीजें गलत हैं,
करके और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, आधारहीन होती है और का सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। तो आप जानते हैं सीखने की चीजें में महत्व रखती हैं, क्योंकि जब भ्रांतियां, भ्रांतियों से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हम जानते हैं कैसे आपको सुधार करना है, कैसे हमें किस कोई समस्या हमारे सामने आए तो हमें कैसे उससे निराकरण पाना है, ये सभी हमसे प्राप्त जानते हैं, भ्रांतियों से हम सीखते हैं। कथन जो है, तर्क जो है एकदम पूरी तरीके से गलत है, तर्क जो है एकदम आपका तर्क गलत है, कथन पूरी तरीके से सही है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बनेगा ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतर प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, करा कि शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग करने में हतोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या कह रहा है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक महत्वपूर्ण और प्रभावी रणनीति है, सही विकल्प को चुनना है, ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता है एक ही, करें ए और आर दोनों सही है लेकिन जो है आर व्याख्या नहीं करता, एक ही करें ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। इस प्रश्न को देखिएगा, शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। भाई साहब ठीक है, यहाँ पर काम करने के लिए प्रोत्साहित तो कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए सहयोग करना चाहिए या तो सही है, लेकिन कहा यहाँ पर कह रहा है कि काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन सहयोग करने में हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए यहाँ पर, यहाँ आपको यहाँ भी प्रोत्साहित करना चाहिए था, इसलिए आपका कथन जो है गलत है। तो कथन को देखिएगा कैसे गलत है, शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कहना चाहिए शिक्षिका जो है वह कह रही है कि भाई साहब व्यक्तिगत रूप से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए, आपको कह रहे हैं कि आपको जब आप व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं तो आपको बढ़ावा दे रही है, और कह रही कि शिक्षिका कह रही है जब आप सहयोगात्मक रूप से हतोत्साहित मतलब सहयोग से भावना से आपको नहीं सीखना चाहिए, मतलब एक तरीके से सीधा सा मतलब है कि हमेशा से शिक्षिका महोदय कह रही हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं तो बेहतर काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप सहयोगात्मक रूप से काम कर रहे हैं तो गलत है, हतोत्साहित कर रही हैं, इसका मतलब है शिक्षिका गलत बता रही हैं आपसे। कारण में कह रहा कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है, तो आपको पता है तो एक जो अप्रभावी बात नहीं है, एक प्रभावी रणनीति है। जब आप विविध क्लासरूम की बात किया जाए तो विविध जो शिक्षार्थी हैं, जो अलग अलग विद्यार्थी स्टूडेंट हैं वाली क्लास में कक्षा में सहयोग क्या है, एक प्रभावी रणनीति है, ना कि अप्रभावी रणनीति है। तो इफेक्टिव जो आप बोल सकते हैं, एक इफेक्टिव है इसके लिए रणनीति है। तो आपका जो कारण है वह कारण भी गलत है, कथन भी गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी इसका करेक्ट ऑप्शन, 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर में, कथन में है प्रभावी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जा सकता है। करा की कारण में विद्यालय और समुदाय जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। करा ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन को देखिएगा, कथन में भाई कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण मतलब इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए करा विद्यालय और सामुदायिक जीवन, तो विद्यालय और सामुदायिक मतलब विद्यालय में जो पढ़ाई जा रही चीजें हैं, और आपके सामुदायिक जीवन का मतलब है जो आपके एनवायरमेंट में चीजें घट रही हैं, तो सामुदायिक जीवन को किसी भी तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए। तो आपको मैंने हमेशा से बताया है, जब भी शिक्षक पढ़ाए, कोई भी टीचर पढ़ाए, तो हमेशा से बच्चों को उसके सामुदायिक जीवन से जोड़ देना चाहिए। सामुदायिक जीवन से जोड़ने से वह ज्ञान गहरा और मजबूत हो जाता है और हमेशा से लिए उसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर जाता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कि जोड़ा नहीं जाना चाहिए या कथन पूरी तरीके से गलत है। जो कथन है ना ये गलत है, गलत बता रहा है। कारण में की बात कर रहा है, विद्यालय और समुदाय जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी जो सीमित हो जाता है, तो सीमित नहीं होता है, जब आप जोड़ते हैं तो असीमित हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसका मतलब कारण भी गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों क्या सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम, प्रश्न संख्या 21, कथन को देखिएगा, कृपया बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। करा कि अनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग जो बदलाव का मार्ग तय करते हैं। करा ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करा ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न,
कथन में कह रहा है बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। एकदम सही है, बात सही कह रहा है कि बच्चों का जो विकास हो रहा है ना, ग्रोथ, बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे हम सटीकता से या पूर्वानुमान करा कि नहीं लगाया जा सकता, सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि बच्चा कितने दिन में कितना विकास होगा, या हम सटीक तरीके से नहीं बता सकते कि बच्चे में कितना सटीक तरीके से कितना विकास हो सकता है, या भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, एक पूर्वानुमान बहुत सटीकता से नहीं। अगर आपसे कहता सटीकता ना लगाकर क्या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता लगाया जा सकता, तब गलत हो जाता है यह सेंटेंस। लेकिन कह रहा सटीकता यहां लगाने से ये चीजें सेंटेंस सही हो गया, क्यों? क्योंकि सटीकता से आप कहिए कि बच्चा 10 मंथ में चल जाएगा तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, बच्चे 11 मंथ में चल सकता है, लेकिन आप एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चे 11 मंथ में या 12 मंथ में चल सकता है। तो अगर आपसे कहता है कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तो बात सही बन जाता है, लेकिन करा सटीकता से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तो इसलिए बात तो सही है, ये तो आपका बात एकदम सटीक है। करा कि बच्चों के विकास के प्रगति और मार्ग और प्रगति सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, एकदम साफ सही है। अनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन से अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती है। सही बात है कि बच्चों का जो अनुवांशिकता है, बच्चों का वातावरण है, उसी के हिसाब से ना, उसी के अंतःक्रिया की वजह से, उसी के संयोजन की वजह से हर बच्चे में क्या है, वैयक्तिक भिन्नता है। भाई हम किसी भी इन्वायरमेंट से हम आए हैं और आप किसी दूसरी इन्वायरमेंट से होंगे, आपके माता पिता अलग है, मेरे माता पिता अलग हैं, तो कैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तुलना हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी आपसे कह रहता है कि हर बच्चों का मार्ग, हर बच्चों का सीखने का तरीका अलग अलग है। तो आपका जो कथन है वह भी सही है, कारण भी सही है, कथन जो तर्क है कथन को संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ए बन जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 में कहा शिक्षण अधिगम में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। ठीक है, जो भ्रांतियों की खोज है, जो आपको भ्रांतियां हैं उसकी खोज करना और चर्चा करना सार्थक है, एकदम बात सही है, तर्क कथन तो सही है। तर्क में कह रहा है कि या विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक है, यह भी बात सही है। तर्क भी क्या है, पूरी तरीके से सही है, और कथन भी पूरी तरीके से सही है, और तर्क जो है कथन को संतुष्ट भी करा। कैसे करा कि अगर हम अवसर देंगे, जांच के लिए सहायक होगा, तभी तो हम उस पर सार्थक बनेगा ना। तो तर्क और कथन दोनों सही है, और इसका उसका व्याख्या भी करा, ऑप्शन संख्या ए करेक्ट होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 को एक बार फिर से थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करने का सार्थक है, मतलब खोज और चर्चा करना सार्थक है। ठीक है, हमको भ्रांतियों पर हमेशा से चर्चा करना चाहिए, खोज करना चाहिए और आपके भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। इनमें तर्क में जा रहा है या भ्रांतियों या विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देगा, जो बच्चों के बीच भ्रांतियां उत्पन्न हुई है उस भ्रांति को सोचने में अवसर देगा और गहन जांच करने के नेतृत्व में सहायक देगा। सही बात है, तो इसलिए तर्क और कथन दोनों सही है, तर्क कथन को संतुष्ट भी करा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 23 में करें समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शामिल नहीं करती है। तो मैंने हमेशा से बताया है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों सम्मिलित होंगे, सामान्य और विशिष्ट दोनों सम्मिलित होंगे। विशिष्ट समान तो समान है, विशिष्ट के अंतर्गत आप जानते हैं उसमें प्रतिभाशाली भी आएगा, सृजनात्मक बच्चा भी आएगा, उसमें अति पिछड़ा भी बच्चा आएगा, चोरी करने वाला बच्चा आएगा, अतिशक्ति बच्चा आएगा, बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा आएगा, श्रवण बाधित भी आएगा, उसमें अस्थि बाधित भी आएगा, बच्चा किसी प्रकार का अगर उसमें किसी प्रकार का यूनिक है, किसी प्रकार से वो अलगाव है सामान्य से, तो वह विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। और इसलिए आप जानते हैं प्रतिभाशाली भी एक प्रकार के विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर अगर शामिल नहीं होती है, गलत है। समावेशी सिर्फ जो कहता है कि अपूर्णता का मतलब है जो अस्थि बाधित है, श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, इन सभी को शामिल करता है पर काम करता है, इसका मतलब यह भी कथन जो है आपका कथन जो तर्क जो है गलत है, या तर्क जो रीजन है ना, जो रीजन है तर्क जो है यह गलत है, और तर्क गलत है, कथन भी गलत है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दोनों का गलत होगा और ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन को देख पाए होंगे, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आगे 24 नंबर करा कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो कथन तो बात सही, बहुत अच्छा कह रहा है। कारण में कह रहा है कि अधिगम एक का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक है,
सही विकल्प को चुनने की बात कर रहा है, कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता एक ही, कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अगर इस प्रश्न की बात करें हम प्रश्न संख्या 24 नंबर पर, कल विद्यालय को छात्रों में पाठ पुस्तक को याद करना उन्हें पूरा उलग देने के स्थान पर बच्चे को कॉन्सेप्ट जो उस पर जो बच्चे ने पढ़ा है उस पर वाद विवाद करना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए, उस पर जब आप सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे तो वह ज्ञान क्या होगा सुदृढ़ हो जाएगा, प्रबलित हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप हमेशा के लिए उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो सही बात कर रहा है कि जिज्ञासा शांत करने वाली होनी चाहिए, उगल देने वाली होनी नहीं चाहिए, यह कथन तो सही है। कारण में कह रहा है कि अधिगम का जो स्वरूप होता है वह क्रियाशील होता है और कहीं ना कहीं सामाजिक भी होता है, आप जानते हैं क्रियाशील और सामाजिक दोनों होता है अधिगम, और इसीलिए जो कारण है वह कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। जब वह क्रियाशील है और सामाजिक है तभी तो कह रहा है कि सामूहिक रूप से होना चाहिए, वाद विवाद करना होना चाहिए, प्रश्न पूछने जैसा होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, तभी तो क्रियाशील हो रहा है, तभी तो वहां पर क्रियाशील कह रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, क्रम विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमनात्मक अनुभव को बढ़ाती है। सही है, जो बच्चे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से हैं जो भी हैं विविध प्रकार के जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके लिए अधिगमनात्मक अनुभव को बढ़ाती हैं। सही बात, एकदम सभी बच्चों के लिए कथन तो राइट है। तर्क में कह रहा है समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित होते हैं, इस तरीके से कह रहा। तो आपको पता है हर बच्चे को समावेशन का अर्थ ही है कि समावेशन कहता है कि जो बच्चों में जो इस एकजुटता बच्चों को किया जा रहा है उससे सभी बच्चों को लाभ होता है, सभी बच्चों को जानने में उसमें देखिए जब भी आप मान लीजिए आप सामान्य बच्चे हैं और कोई दृष्टि बाधित बालक है तो आप इतना समझ पाते होंगे कि दृष्टि बाधित वाला जो सामान्य बच्चा है वो आप दृष्टि बाधित बालक वाले की मजबूरियों को उसकी जो परेशानियों को समझ जाएगा, जब उसके साथ रहेगा तभी तो समझेगा। इसलिए सभी बच्चों को उससे सहयोग मिलता है, सभी बच्चों को लाभ होता है। इसमें कह रहा कि समावेशन में केवल उन्हीं बच्चों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित होते हैं, यह निराधार है, गलत है। और आप जानते हैं कथन सही है, तर्क जो है गलत है। तो जब तर्क कथन सही तर्क गलत है तो ए सही है लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 26 नंबर करा कि भाई साहब दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और बाद उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देना देगा। तर्क में क्या है अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। करा कि सही विकल्प को चुनना है, करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही, करा ए और आर दोनों सही है लेकिन ए व्याख्या नहीं करता आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करा कि ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। कथन को पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 26 को देखिएगा। दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा, एकदम सही है। जब आप किसी चीज को अनुभव के आधार पर चर्चा करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो अधिगमकर्ताओं है, अधिगमकर्ताओं का मतलब है विद्यार्थियों जो वह लर्नर है, उसके संकल्पनात्मक समझ संकल्पनात्मक एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। यह कथन पूरी तरीके से सही है। तर्क में कह रहा अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा ज्ञान को नए विचारों के साथ जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं, एकदम सही है। जब अधिगमकर्ता होता है लर्नर होता है जो उसके उसके आधार पर क्या करता है जो मौजूदा ज्ञान है जो पहले का ज्ञान है उसको नए ज्ञान से रिलेट करता है कोरिलेट करता है और अपने ज्ञान को सक्रिय बनाता है, ये ज्ञान अपने ज्ञान का संरचना करता है, अपने ज्ञान को एक स्ट्रक्चर देता है, या भी इस वजह से तर्क भी सही है कथन भी सही है और तर्क जो है कथन को संतुष्ट भी करता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 27 है, बच्चों द्वारा निर्मित सहज और अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक बात कि जो बच्चे हैं ना जो आपके विद्यार्थी हैं उनमें निर्मित जो है द्वारा निर्मित सहज और अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने का अवसर देना चाहिए। जब अवसर देंगे तो अपने बच्चा अपने विचारों को खुलकर कह पाएगा, अपनी जानकारी को बता पाएगा कि उसमें कितनी जानकारी है, आप उसके बच्चे की जानकारी को जान पाएंगे कि बच्चे को कैसे क्या पढ़ाना है सिखाना है, तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण में दिया गया है सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं
सभी बच्चे वास्तविकताओं की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। तो करेक्ट, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को एक संकल्पनाएं क्या करती है, प्रभावित करती है, एकदम सही है। या भी क्या है, पूरी तरीके से या तो प्रोत्साहित तो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, बच्चों को ज्ञान साहस तो सही है, लेकिन सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं, तो पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं, एकदम सही है। आपका कारण भी सही है, कथन भी सही है, और इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 28 नंबर के लिए, एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की का कोई स्थान नहीं देना चाहिए। एक अध्यापक को बच्चों के विभिन्न जो घटनाएं हैं के बारे में व्याख्या की चर्चा का कोई स्थान नहीं देना चाहिए। आपको बताया है भाई अवसर देना चाहिए, अगर कोई स्थान नहीं देना चाहिए, हमने आपको बताया कि अवसर देना चाहिए शिक्षक को, तभी तो बच्चे के बारे में आप समझ पाएंगे सही तरीके। अवसर देना चाहिए शिक्षक को। अगर बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, क्यों नहीं, जो सक्षम होते हैं बच्चे बहुत सक्षम होते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते सक्षम नहीं होते हैं, तर्क भी गलत है, कथन भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। 29 नंबर को देखिएगा, विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों को अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपने आसपास जो उनके एनवायरमेंट में क्रिएट हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनको विभिन्न घटनाओं को कारणों को अंदाजा लगाने के लिए अवसर या बढ़ावा देना चाहिए। कथन तो पूरी तरीके से सही है। तर्क में कह रहा, बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटनाओं का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारण व्याख्या को लघु सिद्धांतों को ओर ले जाना चाहते हैं। कथन तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन अब हम तर्क की बात कर लेते हैं। बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटनाओं का कारण खोजना चाहते हैं। ठीक है, हर बच्चे चाहता है कि अपने उसके आसपास जो भी घटनाएं घटी हैं उसके कारण को खोजना तो चाहता है, और आगे कह रहा है कि और उनकी कारण व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के रूप के निर्माण की ओर ले जाता है। मतलब उसको लघु सिद्धांत, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट कर दे सिद्धांत को, एक ऐसा प्रिंसिपल क्रिएट कर दे कि छोटा रूप हो और उसके सिद्धांत को अभी समझ भी जाए। तो तर्क तो सही है, कथन भी सही है, और इसीलिए आपको जब बच्चे या इस तरीके से बच्चा कारण को खोजना चाहता है और अपने सिद्धांत को क्रिएट करना चाहता है, तभी तो हम आसपास को बच्चों को बढ़ावा देंगे। तो इसका मतलब तर्क जो है कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए। देखिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा था, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है कथन कारण का। कथन में कह रहा कि अध्यापिका को नए संपत्तियों को बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कह रहा कि अध्यापिका जो है महोदया हैं उनको बच्चे को नए कॉन्सेप्ट जब पढ़ाइए, नए संपत्तियों को पढ़ाने के लिए बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, और एकदम ऐसा करना चाहिए कि हमेशा से जो पुराने ज्ञान बच्चों को, पुरानी जानकारी आपने दी है, उससे रिलेट करते रहना चाहिए नए ज्ञान जानकारी को, और जब रिलेट करते जाएंगे तो बच्चा उसके ज्ञान मजबूत होता जाएगा। तर्क में कह रहा है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, एक सही है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। तो सिर्फ अधिगम एक है, आप सब कह सकते हैं एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय से बाहर भी होती है। इसका मतलब है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा बोल सकते हैं, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा आप कहने का सेंस निकाल रहा है। सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा सेंस भी कहने का बात कर रहा है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि आपका तर्क सही है, कथन भी सही है, दोनों सही है, और तर्क जो है कथन को संतुष्ट भी करा, इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो साथी आप सभी के सामने या 30 प्रश्नों के माध्यम से तर्क और कथन, जो कथन और आपका कार्ड जैसा चैप्टर था, जो आप सभी से हर चैप्टर के एक तरीके से प्रश्न रखने का प्रयास किया गया, और आपके पेपर में लगभग 2-3-4 प्रश्न अधिकतम, जैसे जैसे धीरे धीरे टफ होता जा रहा है ना, सीटेट के जो प्रश्न पत्र हैं, सीटेट का पेपर टफ होता जा रहा है, धीरे धीरे कारण और कथन और कार्ड वाले प्रश्न ज़्यादा रखने का प्रयास करता है एग्जामिनर, और मेरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारियों के तौर पर जब प्रदान रहेंगी तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, जानकारियों को मेंटेन कीजिए। अगली क्लास मिलते हैं, तब तक लिए आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। थैंक यू क्लास।